हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहां पर हम देखने वाले रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस ऑन सेल्फ केयर फॉर कंडीशंस। अब देखिए, इतनी लंबी हमारी ये हेडिंग है, तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, जिससे इतना तो हमें यहां पे क्लियर हो जाए क्या यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स, देखिए कुछ हमारी छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं जिनको यहाँ पर हम कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। एक तरह से उन बीमारी को जो यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, साथ में एंड एडवाइस ऑन सेल्फ केयर फॉर कंडीशन। और जो इस तरह की कंडीशन होती है उनके लिए एक तरह से सेल्फ केयर किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए जो एडवाइस वगैरह दिए जाते हैं किसके थ्रू यहाँ पे दिए जाते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, फिजिशियंस वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर एडवाइसेस दिए जाते हैं। तो इनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ होती है, एग्जाम्पल हम देखें जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की हमारी जो कंडीशन होती है, इस तरह से जब भी हमारे कह सकते हैं मतलब ज़्यादा सीवर कंडीशन में नहीं होती है छोटी मोटी बीमारियाँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एडवाइस दे देते हैं कि घर वगैरह पे एक तरह से सेल्फ से खुद से आप अपनी केयर करके, सेल्फ केयर करके इन बीमारियों को एक तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे एक सब्जेक्ट हमारा चला है यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखिए यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे 8 या 9, हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ओवर द काउंटर यानी OTC मेडिकेशंस। तो इसके अंदर देखे जाते हैं एक वीडियो लेक्चर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज की जो हमारी यहाँ पे वीडियो रहेगी इसमें एक तरह से हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक यानी हमारे जो यहाँ पे यूनिट है इसको कंप्लीट इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको इतना तो पता चल गया क्या है हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी ये कंडीशन होती हैं। जैसे देखिए हमारा पेन होता है यानी दर्द, साथ में कफ वगैरह हो जाता है, कोल्ड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, फीवर, सोर थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर, लास्ट में यहाँ पे रहेगा ओरल हेल्थ, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे माउथ अल्सर, डेंटल पेन और साथ में गम स्वेलिंग वगैरह ये आ जाएंगे। अब देखिए हमारी जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेन है, तो एक तरह से जो नॉर्मल कंडीशन में होता है मतलब हल्का फुल्का दर्द होता है उसकी यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि पेन जो होता है किडनी स्टोन का पेन होता है, सीने में दर्द होता है, हार्ट पेन होता है, तो वो एक तरह से सीवर कंडीशन हो जाती है, तो उनकी यहाँ पर हम बात नहीं करें। तो उस चीज़ को आप माइंड में रखें, आप ऐसा ना हो आप ये सोचें सर जैसे एक तरह से यहाँ पर भी फीवर है, तो फीवर क्या होता है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये हमारा फीवर ही होता है, लेकिन एक तरह से कह सकते वो हमारा सीवर कंडीशन हो उसके कैटेगरी नहीं है होता, लेकिन वो फीवर ही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी माइनर एलिमेंट यानी एक तरह से जब हमारी एक सीवर कंडीशन में नहीं होती है, उस कंडीशन की यहाँ पे हम बात करें, तो इसको आप माइंड में रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इन सभी को बारी बारी से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पेन। अब देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे दर्द, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको एक तरह से पेन कभी ना कभी नहीं हुआ होगा, भाई सभी को होता है, काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेट दर्द, सर दर्द इस तरह की, या टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह से मतलब हो जाता है। अब देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें एक तरह से डायरेक्टली यहाँ पे सिम्टम्स और सेल्फ केयर आपका पूछा हुआ है, लेकिन जितनी भी हमारी ये डिसीज़ हैं भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक तरह से क्या है, और आप एग्जाम में भी थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे देखिए पेन होता है, तो द अनप्लेजेंट फीलिंग दैट यू हैव व्हेन ए पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ बीन हर्ट और व्हेन यू आर इल। देखिए क्या होता है जब एक तरह से हम बीमार होते हैं, या एक तरह से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है, मान लीजिए हमारी भी फिंगर है, कहीं से कट जाए, एक तरह से किस चीज़ के नीचे आगे दब जाए, तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है एक तरह से पेन वगैरह होने लगता है, तो हमारी एक तरह से अनप्लेजेंट फीलिंग होती है यानी एप्रिय, एक तरह से हम कह सकते हैं भाई दर्द होना किसको अच्छा लगता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो प्यार वाला मीठा दर्द या फीका दर्द, उसके हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम थोड़ा सा रियल वाले की, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट एक तरह से होता है हर्ट होता है, या हम बीमार होते हैं उस कंडीशन में पेन होता है। यहाँ पे इसके सिम्टम्स हम देख ले। अब देखिए ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी हमारी डिसीज़ हैं, हर एक डिसीज़ में ज़्यादा डीपली जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपका लेक्चर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सिम्टम्स हम देख लेते हैं। एक तरह से जो पेन होता है तो किस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे मसल्स स्पाज, मांसपेशियों में ऐठन वगैरह होना, साथ में रेस्ट लेने से बेचैनी वगैरह होती है जब किसी को दर्द होता है, साथ में क्या होता है मुँह एक तरह से कर रहा था इंसान ज़्यादा दर्द में, अच्छा रेसिस्टेंट टू केयर, साथ में डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। अब किसी बंदे को भी क्या हो रहा है दर्द वगैरह, पेन वगैरह हो रहा है, आपको भी पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो नींद आपको आसानी से नहीं आएगी, डिफिकल्टी वगैरह होगी जब तक तरह से आप वो आपका कम वहाँ पर नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एपेटाइट लॉस क्या होता है, जब किसी इंसान को दर्द वगैरह होता है तो एक तरह से भूख कम हो जाती है ऑटोमेटिक इंसान में, मतलब क्या होता है इंसान को जो दर्द वगैरह होता है उस कंडीशन में वहाँ पे वो नहीं खा पाता है। अच्छा यहाँ पे इमेजिंग तरह से कह सकते हैं यहाँ पे मुँह बनाना, भाई जब किसी इंसान को दर्द होता है जैसे किडनी स्टोन का दर्द होता है उस कंडीशन में क्या होता है इंसान मुँह बनाता है यानी ना ही हंसता है और ना ही वहाँ पर वो
रोता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फ केयर, यानी एक तरह से हमारे जो फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डॉक्टर वगैरह होते हैं तो किस तरह से यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है हमने सारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओनली हमने फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे आपको इतना तो यहाँ पे क्लियर रहे। ये जो एक तरह से सेल्फ केयर के एडवाइस दिए जा रहे हैं ये किसके थ्रू यहाँ पे दिए जा रहे हैं? अब एक तरह से जिस तरह की कंडीशन होती है उसी तरह के एडवाइस मतलब उस तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टीथ की प्रॉब्लम, एक तरह से जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो उस तरह के एडवाइस देंगे, अदर प्रॉब्लम है तो उस तरह के वहाँ पे वो एडवाइस देंगे। टू मैनेज द पेन, एक तरह से पेन को मैनेज करने के लिए द फार्मासिस्ट, जो हमारे फार्मासिस्ट ये एक तरह से डॉक्टर, मे सजेस्ट फॉलोइंग एज होम ट्रीटमेंट, एक तरह से घर पर किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, सेल्फ केयर हम कर सकते हैं जिससे एक तरह से कम हो सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। टू रिलीव मसल्स स्टिफनेस, तो एक तरह से देखिए क्या होता है, जो हमारी मांसपेशी वगैरह में कठोरता वगैरह आ जाती है, दर्द वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में एक तरह से रिलीफ कैसे इससे मिल जाता है, मतलब इससे मिल सकता है। तो एक तरह से देखिए हीटिंग पैड, एक तरह से क्या होता है गर्म पैड शुड बी अप्लाइड एक तरह से जो एरिया है जिस पर एक तरह से ये चीज़ हो रही है, जैसे एक तरह से हमारी मसल्स वगैरह यहाँ पर कठोर हो रही तो उस कंडीशन में क्या होता है वहाँ पर एक तरह से हीटिंग पैड यानी गर्म एक तरह से पैड वगैरह वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ में वार्म बाथ शुड बी टेकन, एक तरह से गर्म पानी, जो एक तरह से शावर वगैरह होते हैं तो एक तरह से जो गर्म पानी होता है उसके बाद एक तरह से हम उसको वहाँ पे मतलब दे सकते हैं। एंड इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, इट ओवर लैप्ड कोल्ड पैक और आइस शुड बी यूज टू रिड्यूस पेनफुल स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय इंजुरी। अब देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है तो एक तरह से उस पर इंजुरी वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है स्वेलिंग वगैरह एक तरह से सूजन वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे पेन वगैरह होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है एक तरह से इट ओवर लैप्ड, एक तरह से क्या होता है देखिए जो हमारा बर्फ वगैरह होता है आइस वगैरह होता है उसको टॉवल वगैरह के अंदर पैक करके एक तरह से हम क्या कर सकते हैं उस स्थान पर रख सकते हैं, या एक तरह से क्या होता है हमारा जो आइस पैक वगैरह आते हैं उसको एक तरह से उस एरिया पे हम रख सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्या होगा उस एरिया पे आप रखेंगे एक तरह से जो एरिया होता है वहाँ पे मतलब सुन सा हो जाता है जब ठंडा एक तरह से काफ़ी टाइम तक वो रहेगा उसके ऊपर आइस पैक तो इस कंडीशन में एक तरह से स्वेलिंग वगैरह इन्फ्लेमेशन साथ में एक तरह से पेन वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। लाइट एक्सरसाइज रेगुलर, एक तरह से क्या होता है जोड़ वगैरह में दर्द होने लगता है भाई इंसान के तो एक तरह से वहाँ पर सलाह दी जाती है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी जिसके तरह से आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है वहाँ पर बनी रहे। रेस्ट एक तरह से दर्द हो रहा है तो ज़्यादा आराम कीजिए। एलिवेटिंग द डैमेज लोकेशन अबव द लेवल ऑफ हर्ट, अब देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं मान लीजिए हमारी ये हैंड है तो यहाँ पे एक तरह से डैमेज हो गया जिस वजह से पेन वगैरह हो रहा है तो क्या होता है एक तरह से हमारा जो हर्ट होता है दिल होता है उससे एक तरह से उसकी लोकेशन से उसको हम ऊपर ले जाएँ तो ऐसे एक तरह से मतलब सलाह दी जाती है कि इस तरह से पेन वहाँ पर कम हो जाता है। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनाल्जेसिक बाम शुड बी यूज, अब देखिए हमारे जो क्या होते हैं एनाल्जेसिक बाम जिसको एक तरह से नॉर्मल हम कहते हैं पेन किलर बाम तो बहुत ही टाइप के एक तरह से आप टीवी वगैरह में ऐड भी देखते होंगे हमारे बाम वगैरह होते हैं पेन किलर तो उनका एक तरह से उस एरिया पर हम यूज़ कर सकते हैं। पेन किलर क्रीम्स वगैरह हमारी काफ़ी एक तरह से अवेलेबल होती हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से हमारी फर्स्ट यहाँ पे पेन। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कफ, अब देखिए कफ जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे खांसी, अब देखिए आपको जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी तो वहाँ पे हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है कफ क्या होता है पेन क्या होता है तो यहाँ पे इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से कफ जिसको हम कहते हैं खांसी, अब देखिए खांसी में क्या होता है नॉर्मल एक तरह से बलगम वगैरह बन जाता है आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह हमारे जो एक तरह से पूरा ही मतलब ट्रेगे वगैरह होता है उसके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एक तरह से खांसी वगैरह हो जाती है। तो एक तरह से कफ इज नोटेड डिसीज़, अब देखिए कफ एक तरह से डिसीज़ क्यों यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या होता है मतलब फॉरेन मटेरियल वगैरह होते हैं जो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल वगैरह होते हैं वो हमारे क्या होता है सांस की नली में चले जाते हैं तो उस कंडीशन में खांसी वगैरह होती है उनको बाहर निकालने के लिए इसलिए देखा जाए तो एक तरह से डिसीज़ के फॉर्म में हम इसको नहीं लेते हैं। साथ में इट इज़ प्रोटेक्टिव रेफ्लेक्स दैट हेल्प प्रिवेंट फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी, तो वही जो हमने अभी आपको बताया था जो एक तरह से बाहर वगैरह होता है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो खांसी के थ्रू एक तरह से वो बाहर आ जाती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव रेफ्लेक्स होता है। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सिम्टम्स, अब देखिए सिम्टम जिसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे लक्षण, अब देखिए खांसी भी सभी को होती है कभी ना कभी तो सभी को एक तरह से इसके सिम्टम वगैरह भी पता होंगे यानी यहाँ पे कंजेस्टेड और साथ ही में यहाँ पे रनी नोज, देखिए क्या होता है एक तरह से नाक वगैरह बहने लगती है जब एक तरह से खांसी वगैरह नज़ला खांसी एक साथ हो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं इसको। साथ में सोर थ्रोट, एक तरह से भाई गला ख़राब हो जाता है बार बार इंसान खांसता है कहते हैं ना भाई गला साफ नहीं खांसी वगैरह इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में ब्रीथिंग डिफिकल्टी, क्या होता है कफ वगैरह जमा हो जाता है तो सांस लेने में एक तरह से दिक्कत वगैरह हो जाती है साथ में यहाँ पे विजिंग हम कह सकते हैं और साथ में ये सोर सेंसेशन इन माउथ एक तरह से मुंह में खट्टा वगैरह लगना इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए काफ़ी तरह का एक तरह से क्या होता है बलगम वगैरह बनता है बॉडी में तो एक तरह से खट्टा वगैरह महसूस हो सकता है कभी आप सोचिए खट्टा एक तरह से खांसी में लगता ही नहीं है। और साथ में आप लोगों कफिंग अप ब्लड, देखिए जब ज़्यादा खांसी होती है कुछ कंडीशन ऐसी होती है लाइक जैसे टीबी वगैरह जब एक तरह से किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस टीबी वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको जो कफ वगैरह होता है यानी आपके थूक वगैरह के साथ में ब्लड भी वहाँ पे जाने लगता है।
ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर केयर, अब देखिए सेल्फ केयर का सीधा मतलब होता है एक इंसान जिसको एक तरह से खांसी वगैरह हो रही है तो उसको एडवाइस दिया जा रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू कि कैसे एक तरह से सेल्फ केयर यानी खुद की मदद वहाँ पे कर सकता है इसको सेल्फ से ट्रीट करने के लिए। जैसे इन्हेलेशन ऑफ वार्म मोस्ट एयर सच एज दैट फाउंड इन ए बाथरूम व्हेन शावर इज रनिंग। देखिए एक तरह से क्या होता है जैसे सर्दी का मौसम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है एक तरह से जब हम नहाते शावर वगैरह लेते तो वहाँ पे एक तरह से मतलब गर्म पानी होता है तो उसके भाप वगैरह वहाँ पे हम ले सकते हैं क्योंकि सर्दी वगैरह मोस्टली एक तरह से खांसी नज़ला वगैरह देखने को मिलता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसमें सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे वार्म सोडिंग बीवरेजेस। देखिए सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे एक तरह से एप्पल जूस हो गया और साथ में यहाँ पे हाफ टी स्पून एक तरह से आधा चम्मच क्या हो सकता है लेमन वगैरह एक तरह से हनी वगैरह एक तरह से और शहद वगैरह मिला के एक तरह से आधा चम्मच हम ले सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं घरेलू हमारे कुछ नुस्खे होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं वगैरह भी इनको बता देते हैं तो इस तरह से इसको हम लेते हैं एक तरह से हेल्प करता है रिड्यूस करने में यहाँ पे कफिंग स्पाज़म को। अच्छा यहाँ पर और क्या क्या हम ले सकते हैं, अब जैसे हमारे घरेलू नुस्खा आगे जाए खांसी वगैरह नज़ला वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या एक तरह से एडवाइस दिए जाते हैं यूज़ ऑफ जिंजर। एक तरह से होता है अदरक वाली चाय इस तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से जिंजर वगैरह हम अदरक यूज़ कर सकते हैं, क्लोव लौंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कार्डमम लेमन विद हनी एक तरह से इन सभी को यहाँ पर लेमन हनी वगैरह एक तरह यूज़ कर सकते हैं। देन चलिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ मुकस इन थ्रोट इज एडेड बाय लिक्विड थ्रोट मे बी सोटेड बाय ड्रिंकिंग टी और लेमन जूस। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से हमें जो खांसी वगैरह होती है कफ वगैरह होता है तो गले में एक तरह से मूकस यानी बलगम हमारे जम जाता है जिसको नॉर्मल हम कहते हैं एक तरह से सूखी खांसी। भाई सूखी खांसी होती है एक तरह से हमारा जो मूकस बलगम हो एक तरह से गले से बाहर नहीं आता है जिसकी वजह से एक तरह से खांसी वगैरह होती रहती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉफ्टनिंग एक तरह से मुलायम करते हैं किसको मूकस को एक तरह से बलगम को कहाँ पर इन थ्रोट एक तरह से गले के अंदर जो हमारे तो एक तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं लिक्विड यानी लिक्विड वाली चीज़ हम लेंगे एक तरह से सॉफ्टनिंग हुआ ईजी बाहर आ जाए। इसके एक तरह से क्या होता है भाई टी वगैरह हमारी एक तरह से अदरक की चाय यानी काफ़ी सारी हमारी टी वगैरह होती हैं साथ में यहाँ पे लेमन जूस वगैरह का यहाँ पे मतलब जो एक तरह से नींबू का जूस वगैरह होता है उसके यहाँ पे सलाह दी जाती है। अब देखिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं कोल्ड। अब देखिए कोल्ड जिसको हिंदी में हम कहते हैं जुकाम तो सभी को आपको पता है एक तरह से जुकाम वगैरह क्या होता है आप सभी को कभी ना कभी हुआ होगा तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कोल्ड इज एन इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी इलनेस ऑफ द नोज थ्रोट साइनस एंड ट्रेकिया। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है जब तरह से नज़ला जुकाम वगैरह हमें यहाँ पे होता है तो हमारी जो नोज़ होती है नाक वगैरह बंद हो जाती है काफ़ी सारी कंडीशन होती है नाक वगैरह बहने लगती है साथ में क्या होता है हमारे जैसे एक तरह से गला होता है तो उसमें एक तरह से दिक्कत होती है साइनस एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो ट्रेकिया होती है उसमें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक तरह से हमारी इन्फेक्शन जिसे एक तरह से इन्फेक्शन वगैरह की वजह से ये होता है। चलिए और हम देख लेते हैं इट कैन बी कॉज्ड बाय मोर देन 200 डिफरेंट वायरसेस। हमारे क्या होते हैं देखिए 200 टाइप के डिफरेंट टाइप के हमारे वायरसेज होते हैं जिनकी वजह से एक तरह से कॉज्ड होता है बीमारी हमें है। इसमें और यहाँ पर हम देख लेते हैं हाउएवर राइनोवायरस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेजोरिटी ऑफ कोल्ड्स। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे एक तरह से भाई सरकार वगैरह बनती है एक तरह से पॉलिटिक्स वगैरह हम कह सकते हैं तो फुल बहुमत मिलती है उसी के साथ यहाँ बनती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे 200 टाइप के डिफरेंट टाइप के वायरस तो यहाँ पे होते हैं लेकिन तरह से बहुमत के साथ में यहाँ पे मतलब कॉजेज होते हैं चांसेज होते हैं कोल्ड के होने के वो यहाँ पे होते हैं राइनो वायरस के ये एक तरह से यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली इसको कॉज करने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सिम्टम तो सिम्टम ज़्यादा नहीं होंगे एक तरह से जल्दी नोज एक तरह से क्या होता है अभी बहती नाक एक तरह से नाक बहने लगती है खांसी वगैरह होती है एक तरह से क्या होता है छींक वगैरह आती है सिनेजिंग अच्छा हेडेक सरदर्द वगैरह होता है ज़्यादा एक तरह से नज़ला वगैरह होता है नाक बंद वगैरह हो जाती है तो साथ में यहाँ पे फीवर वगैरह भी देखने को मिल जाता है नेजल कंजेशन एक तरह से नाक बंद हो जाती है सोर थ्रोट एक तरह से गला वगैरह भी ख़राब हो जाता है तो हमारे होते हैं यहाँ पे कोल्ड के सिम्टम्स। अब देखिए सेल्फ केयर हम किस तरह से इसको कर सकते हैं तो नॉर्मल तो भी आप सभी जानते हैं एक तरह से क्या होता है गरम गरम चाय वगैरह पीते हैं कुछ भाप वगैरह लेते हैं क्या होता है हमारा मतलब आपने सुना होगा बाम वगैरह होते हैं जैसे आई थिंक कौन सा विक्स वगैरह होता है तो वो भी एक तरह से यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इन्हेलेशन ऑफ वार्म स्टीम भाप वगैरह एक तरह से हम ले लेते हैं तो उससे हो जाता है गार्लिंग विद साल्ट वाटर क्या होता है नमक के पानी से एक तरह से हम गरारा वगैरह कर लेते हैं जिससे गला वगैरह भी हमारा सही हो जाता है साथ में यूज़ ऑफ टॉपिकल ऑइंटमेंट जैसे लाइक हमारे विक्स वगैरह होते हैं वो भी एक तरह से हम यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा जो था यहाँ पे कोल्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर डायरिया। अब देखिए डायरिया हमारा क्या होता है तो इसको हिंदी में कहते हैं दस्त। अब दस्त क्या होते हैं आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा तो सीधा हम कह सकते हैं एक तरह से जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो ओनली आपको पानी पानी वहाँ पर नज़र आता है सीधा हम कह सकते हैं आप बाढ़ ला देते हैं जाके टॉयलेट में तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं पानी पानी जाते हैं जब आप हल्का होने जाते हैं तो वो एक तरह से डायरिया की यानी दस्त वगैरह उसको यहाँ पे हम
कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव लॉस और साथ में वाटरी फेसिस। क्या होता है, एक तरह से जब जो आपका मल वगैरह होता है, एक तरह से उसमें मतलब वाटरी यानी पानी, उसमें पानी से यानी एक तरह से कह सकते हैं पतला पतला वहाँ पर हो जाता है। और साथ में देखिए किस तरह से ये कॉज होता है यानी डायरिया आपको होता कैसे। तो बहुत ही टाइप के हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, हमारे पैरासाइट्स क्या होते हैं, हमारे मोस्ट कॉमन कॉज कर देते हैं एक तरह से डायरिया। अब इतना आप यहाँ पे समझ रहे, लेकिन आपका जो एक तरह सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसमें एक तरह से हम डिटेल में देखेंगे हमारे क्या होते हैं मतलब एंटी डायरियल ड्रग हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको डायरिया और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिम्टम। तो मेन सिम्टम इसका ये होता है एक तरह से आपका जो एक तरह से मल होता है तो एक तरह से वहाँ पे पतला पतला जाता है यानी यहाँ पे देख लेते हैं जैसे लॉस ऑफ वाटरी फेसिस। क्या होता है, एक तरह से भी लूज यानी बहुत ही पतली पतली वाटरी एक तरह से आप वहाँ पे करते हैं। और साथ में हम कह सकते हैं हमारा मोस्ट कॉमन ये एक तरह से सिम्टम होता है इस चीज़ का डायरिया का, होता है ब्लोटिंग, सूजन वगैरह आ जाती है, एब्डोमिनल पेन, एक तरह से पेट में दर्द वगैरह होने लगता है। साथ में ये स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ बाउल मूवमेंट यानी आपको फ्रेश होने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है जब भी आप जाएंगे, एक तरह से पतला पतला सब, और हो सकता है एक तरह से कुछ ज़्यादा ही मतलब देखिए ये क्या होता है, कुछ कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें एक तरह से मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक तरह से ज़्यादा होता है, तो एक तरह से डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वाटर वाटर जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाती है, यहाँ तक कि डेथ वगैरह भी हो जाती है एक तरह से जब भी हमारा सीवर कंडीशन में आता है। तो उसको यहाँ पे हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एक तरह से जो सीवर कंडीशन से कम होता है। साथ में नोजिया, वोमिटिंग, एक तरह से घबराहट वगैरह, उल्टी वगैरह भी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं यही एक तरह से हमारा सीवर कंडीशन में आ जाए तो देखिए बुखार वगैरह हो जाता है, साथ में वेट लॉस होने लगता है क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन हमारे वो वहाँ पे लॉस होने लगते हैं। सीवर पेन वगैरह होता है, साथ में ब्लड इन फेसिस। क्या होता है, आपकी जो एक तरह से लैट्रिन वगैरह होती है, आपका मल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें आपके ब्लड वगैरह भी जाने लगता है मल में। अच्छा यहाँ पर डिहाइड्रेशन, जब पतला पतला वहाँ पर जा रहा है तो एक तरह से वाटर की कमी भी आ जाती है। चलिए सेल्फ केयर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो भाई एक चीज़ तो यहाँ पे समझने वाली है, जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपका सब पतला पतला बाहर है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको जो वाटर है वो इतना पीना है जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कोज वगैरह ना हो। यूज़ इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, बैलेंस फ्लूड, एक तरह से आपका जो फ्लूड है बॉडी में आपका उसको वहाँ पे बैलेंस करना चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको अवॉइड कर लेना चाहिए फैटी और ऑयली फ्राइड फूड जैसे चाउमीन वगैरह, मैगरोनी वगैरह, सब हमारे जो फ्राई होते हैं, हम आपको उनके एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत ही सारे हमारे फ्राई फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पे ब्राड डाइट शुड बी टेकन। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे ब्राड है तो इसको आप माइंड में रखें क्योंकि एक तरह से ये हमारी फुल फॉर्म है जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे एक तरह से हमारा बी होता है, इसका मीन्स होता है यहाँ पे बनानास। क्या होता है, एक तरह से जब भी दस्त वगैरह हो जाते हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में कहते हैं कि बनानास वगैरह आपको लेने चाहिए, केले वगैरह जो होते हैं। साथ में राइस क्या होता है, वाइट राइस आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको यहाँ पे एप्पल से, और साथ में यहाँ पे हम कह सकते हैं टोस्ट। आप देखिए टोस्ट क्या होते हैं, हमारे जो वाइट ब्रेड वगैरह होते हैं उनका यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी खुद की केयर एक तरह से करने के लिए। एडवाइस कौन दे रहा है, जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर वगैरह होते हैं वो दे रहे हैं। अब चलिए फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन जिसको यहाँ पे हम कहते हैं हिंदी में कब्ज, तो कब्ज एक तरह से क्या होता है, तो देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें एक तरह से आपका जो फेस, एक तरह से आपका जो मल होता है वो वहाँ पे हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से मतलब आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं कब्ज, और एक तरह से हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है, इसके सिम्टम और साथ में सेल्फ केयर हम इसकी देखने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन इज ए कंडीशन, एक तरह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज हमारी एक कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर बाउल मोशंस बिकम लेस, एक तरह से आपको जो हल्का होने वाला, एक तरह से आप जब फ्रेश हो जाते हैं तो एक तरह से मान लीजिए आप दिन में 3 से 4 बार जा रहे थे, जब कॉन्स्टिपेशन हो गया आप 1 से 2 बार जा रहे हैं, तो एक तरह से आपके जो बार बार फ्रेश होने वाली फीलिंग है वो आपको आती तो है लेकिन आप फ्रेश वहाँ पे नहीं हो पाते, यानी फ्रीक्वेंट एंड साथ में फेसिस बिकम हार्डर टू एवलेट, एक तरह से निकालना उसको बॉडी से बाहर करना, फ्रेश होना वहाँ पे हार्डर, एक तरह से वहाँ पे वो आपका जो मल होता है वहाँ पे सो जाता है। ऐसा होता कि एक तरह से वहाँ पे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, जो आपके फेसिस वगैरह में मल में हो रहा था, वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे हम इतना ही रहने देंगे, बाकी आपकी ये कैटेगरी है फार्माकोलॉजी में लेग्जेक्टिव एंड पर्गेटिव, जो आई थिंक इस लेक्चर के बाद ही हम देखेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे एक तरह से हमारी कॉन्स्टिपेशन डिटेल में और क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिम्टम, यानी किसी बंदे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत हो जाती है तो किस तरह के सिम्टम वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हैविंग लेस देन 3 बाउल मूवमेंट्स एवरी वीक। अब देखिए एक तो नॉर्मल पर्सन है जिसकी तरह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, तो वो तो दिन में 3 से 4 बार चल जाता है, 2 बार चला जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन किसी बंदे की तरह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत हो गई तो भाई हफ्ते में 2 से 3 बार जाता है, यानी क्या होता है भाई वो एक तरह से अच्छे से फ्रेश हो ही नहीं पाता है क्योंकि तरह से उसका जो मल होता है वहाँ पर हार्ड हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे मतलब बाहर आसानी से नहीं आता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ड्राई एंड हार्ड स्टूल, उसका जो मल होता है ड्राई, एक तरह से ड्राई या एक तरह से
हार्ड हो जाते हैं। स्टमक पेन पेट में दर्द होता है क्योंकि अच्छी तरीके से आप वहाँ पे फ्रेश नहीं हो रहे हैं, तो सीधे एक तरह से आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में पासिंग स्टूल इज डिफ़िकल्ट और पेनफुल, भाई वहाँ पे हार्ड हो गया तो एक तरह से क्या होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उस कंडीशन में, क्या होता है अभी पेन भी होता है, साथ में क्या होता है मतलब डिफ़िकल्ट वहाँ पर आपके लिए हो जाता है, और यहाँ पे नोज़ वगैरह हो जाता है, साथ क्या होता है घबराहट वगैरह भी होती है आपको, और यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, भाई जब एक तरह से जो आपने पहले खाया वही आपकी बॉडी से अच्छे से बाहर नहीं जा रहा है तो आपको भूख किस तरह से लगेगी, तो एक तरह से आपकी जो भूख है वो भी वहाँ पे कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, आप एक तरह से हिसाब से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपका जो एक तरह से ड्राई मल है तो उसके साथ में ब्लीडिंग वगैरह भी वहाँ पे हो सकती है, तो इस तरह से हमारा हो गया। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ केयर, यानी एक तरह से सेल्फ केयर कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इतना तो आपको यहाँ पे समझ आ गया एक तरह से जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, एक तरह से आपका जो मल है स्टूल है वहाँ पे वो हार्ड हो रहा है, एक तरह से वाटर वगैरह की कमी आ रही है, तो इसमें क्या होता है एक तरह से वाटर इंटेक शुड बी इंक्रीज्ड बाई 2 to 4 गिलासेस ईच डे, यानी रोज़ 2 से 4 गिलास या 5 गिलास आप पानी पिए जिससे एक तरह से वाटर की कमी आपकी बॉडी में ना रहे। साथ में और हम देख लेते हैं इनटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हरी भरी सब्जियां खाइए, होल ग्रेन साबुत अनाज, साथ में हाई फाइबर फूड शुड बी इंक्रीज, ऐसा खाना आप खाएं जिसमें किसान से फाइबर जो होता है वो हाई क्वांटिटी में वहाँ पे प्रेजेंट हो। साथ में यहाँ पे वर्किंग आफ्टर टेकिंग मील, देखिए एक तरह से कह सकते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत घूम लिया करिए, इससे क्या होता है खाना एक तरह से एडजस्ट हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी एक तरह से इसमें आ सकती है। देन चलिए 6 यहाँ पे हम देख लेते हैं वोमिटिंग, तो देखिए वोमिटिंग को हिंदी में कहते हैं उल्टी। अब देखिए उल्टी के नाम से आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मोस्टली इस तरह के बंदे होते हैं जिनको उल्टी वगैरह हो जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेवल करते में उल्टी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल डेज में एक तरह से, और कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक तरह से वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ, तो देखिए इसे हम कह सकते हैं फोर्सफुल इजेक्शन, क्या होता है जब उल्टी आती है तो हमें जोर भी लगाना पड़ जाता है, देखिए एक तरह से जैसे वोमिटिंग होती है तो स्टार्टिंग मान लीजिए खुद ब खुद एक तरह से वो आपके माउथ से बाहर आ रही, लेकिन उसके बाद आपको जोर वगैरह भी वहाँ पे उसमें लगाना पड़ जाता है, तो इस तरह से क्या होता है आपके जो माउथ के थ्रू एक तरह से आपके स्टमक का टोटल कंटेंट होता है, यानी आपका जो खाना वगैरह होता है वही एक तरह से उल्टी के थ्रू एक तरह से बाहर आता है, तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सिम्टम्स, यानी एक तरह से लक्षण, तो जिन बंदों को कभी ना कभी वोमिटिंग वगैरह हुई है उनको आई थिंक पता होगा किस तरह के सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए जब हिसाब से ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह होती है तो उस कंडीशन में फीवर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, या जैसे टाइफाइड मलेरिया वगैरह होता है उस कंडीशन में एक तरह से काफ़ी सारी बीमारियाँ जिनमें उल्टी वगैरह भी कॉज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे वर्टिगो हम कह सकते हैं सिर में चक्कर वगैरह आने लगते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक तरह से पसीना ज़्यादा आना, ये एक तरह से एक्सेसिव स्लीपिंगनेस, एक तरह से क्या होता है इंसान हिसाब से ज़्यादा सोने लगता है, चेस्ट पेन, ये भी सीने में दर्द वगैरह हो जाता है। साथ में इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिक्रीज्ड यूरिनेशन, एक तरह से आपका जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है वो एक तरह से यहाँ पे कम हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक्सेट्रा यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ केयर, यानी जब उल्टी वगैरह आपको होती है इस तरह कंडीशन आपको मतलब ज़्यादा होती है, हिसाब से ज़्यादा आपको होती रहती है, तो कैसे आप इसको सेल्फ केयर मतलब अपनी केयर आप यहाँ पे कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लियर लिक्विड कंज्यूम शुड बी ग्रेडुअली इंक्रीज्ड, एक तरह से क्या होता है जो एक तरह से देखिए प्योर वाटर है उसको आप अपना एक तरह से इंक्रीज करें, यानी आप जो एक तरह से इंटेक कर रहे हैं वाटर वो एक तरह से प्योर यानी अच्छा वहाँ पे क्लियर वाटर होना चाहिए, जैसे आर ओ वगैरह का होता है ऐसे हम कह सकते हैं। इनफ रेस्ट शुड बी टेकन, यानी रेस्ट आप ज़्यादा कीजिए, तो मान लीजिए अभी तो मान लीजिए आपको उल्टी वगैरह वोमिटिंग वगैरह की फीलिंग आ रही है उस कंडीशन में एक तरह से आप रेस्ट करें तो क्या होता है उल्टी वगैरह वहाँ पे रुक जाती है। साथ में सॉलिड फूड शुड बी अवॉइडेड अनटिल द वोमिटिंग स्टॉप, जब तक एक तरह से वोमिटिंग मान लीजिए आपको हो रही तो जब तक वोमिटिंग आपकी रुक ना जाए उस टाइम तक सॉलिड फूड जो होते हैं हमारे वो आपको वहाँ पे अवॉइड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे सेवन हम देख लेते हैं फीवर, अब भी फीवर तो आप सभी जानते हैं, क्या इसके बारे में समझाएं, कोई ऐसा बंदा एक तरह से इस धरती पर नहीं है जिसको कभी ना कभी फीवर ना हुआ हो। फीवर हमारे काफ़ी टाइप का होता है, मलेरिया डेंगू टाइफाइड काफ़ी टाइप का होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। फीवर कैन बी डिफाइंड एज द बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर, तो क्या होता है नॉर्मल जब फीवर वगैरह होता है तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक तरह से मतलब हाई हो जाता है, अब चाहे एक तरह से वो फारेनहाइट में हो चाहे हमारा वो सेंटीग्रेड में हो, तो आप सभी जानते हैं हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में वो होता है हमारे यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ में फारेनहाइट में यहाँ पे 98 डिग्री फारेनहाइट। तो जब एक तरह से आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे आपको फीवर चेक करता है तो वहाँ पे एक तरह से आपका फारेनहाइट में होता है, तो 98 से ज़्यादा 102 हो गया, 100 हो गया, 104 एक तरह से हम कह सकते हैं इस तरह से आपका फीवर होता है।
तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इसके सिम्टम। तो सिम्टम आप सभी को पता है कि जैसे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है ठंड वगैरह भी आपको कभी कभी लगने लगती है, हेडेक, सर दर्द वगैरह होने लगता है, फेटिक, थकान महसूस होती है, पसीना आता है, साथ में यहाँ पे शुरू एक तरह से सर्दी वगैरह लगना, लोस वेपटाइट, भूख नहीं लगती है, साथ में जनरल वीकनेस वगैरह हो जाती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, साथ में मसल जैसे मांसपेशी वगैरह में दर्द भी देखने को मिलता है, एक्सेट्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए देख रहे थे इसमें सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर इसमें ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होता है, एक तरह से ड्रिंकिंग मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, टेकिंग रेस्ट, आराम कीजिए, ये एक तरह से यहाँ पे पीसीएम। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं सर दवाइयों की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे, पीसीएम यहाँ पे कहा गया। तो देखिए यहाँ पे हमारी यूनिट का नाम है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो हमारी कुछ ऐसी मेडिकेशन जो एक तरह से नॉर्मली सब अपने घर पे पहले से रखते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारी ये सेल्फ केयर यानी एक तरह से हमारी जो होम वगैरह ट्रीटमेंट है उसमें हमारी ये यहाँ पे पीसीएम। अब चलिए एट यहाँ पर हम देख लेते हैं सोर थ्रोट। तो देखिए सोर थ्रोट को सीधा हिंदी में कहते हैं एक तरह से गला ख़राब होना। तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से हमारा गला ख़राब हो जाता है। अब चाहे तो आपका एक तरह से खांसी में गला ख़राब हो गया या अदर हमारी और भी कंडीशंस हो जाती है, हमारे गले वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन हमारा ये मसला होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सोर थ्रोट इज़ ए कंडीशन। तो एक तरह से हमारा जो गला ख़राब हो रहा है हमारी सोर थ्रोट एक ऐसी कंडीशन होती है इनमें जिसके अंदर थ्रोट बिकम स्वेल, एक तरह से देखिए क्या होता है गले वगैरह मतलब सूजन वगैरह आ जाती है, इची खुजली वगैरह होती है, हल्की पेनफुल वगैरह हो जाता है यानी पेन महसूस करना, एक्सेसिव ड्राई ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन एलर्जेंस। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जैसे आपको ड्राई यानी सूखी खांसी वगैरह हो जाती है तो वो भी एक तरह से क्या है आपका यहाँ पे मतलब गले की प्रॉब्लम है, और साथ ही में एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो कफ है वहाँ पे वो सीधा कह सकते हैं ड्राई वगैरह हो गया, इस वजह से आपका जो गला है वहाँ पे वो ख़राब हो गया। एक तरह से हमारा होता कैसे हमारे वायरल इन्फेक्शन वगैरह एलर्जेंस वगैरह बैक्टीरियल वगैरह एक तरह से बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिम्टम यानी किस तरह के लक्षण यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे इरिटेशन, भाई गले में इरिटेशन वगैरह होने लगती है, साथ में ये खुजली वगैरह होने लगती है, साथ में बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है जैसे गले में एक तरह से जलन वगैरह, साथ में ड्राई थ्रोट, एक तरह से जो मोकस वगैरह होता है यानी ड्राई मोकस, एक तरह से बलगम वगैरह जमा हो जाता है, तो गला एक तरह से सूखा सूखा वहाँ पे महसूस होता है, साथ में बैड ब्रीथिंग, एक तरह से बदबूदार सांस वगैरह यहाँ पे हम कह सकते हैं, साथ में ए मिल्ड कफ, हल्की फुल्की खांसी वगैरह यहाँ पे कोल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बलगम वगैरह जमा हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ केयर यानी खुद से कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे एडवाइस दे जाते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू। देखिए सफिशेंट रेस्ट वगैरह यहाँ पे करना चाहिए, साथ में वार्म फ्लूइड, देखिए क्या होता है हमारे जो फ्लूइड वगैरह वो एक तरह से थोड़े से गर्म, जिससे एक तरह से क्या होता है हमारे जो गला है वहाँ पे एक तरह से मतलब वो खुशक यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई एक तरह से लिक्विड वगैरह यानी हमारे जो फ्लूइड्स वगैरह है, तो फ्लूइड यहाँ पे वॉर्म में थोड़ा सा गर्म है, जैसे हमारे हॉट लेमन टी वगैरह हो गया इस तरह से हम पी सकते हैं इनको, इससे यहाँ पे क्या होगा गला हमारा खुलता हुआ चल जाएगा, साथ में एक तरह से हमारा जो ड्राई हो रहा है गला वहाँ पे वो भी वहाँ पे थोड़ा सा सही हो जाएगा। टेकिंग वाटर मोर, पानी आप ज़्यादा पिए, साथ में यहाँ पे गार्गल शुड बी डन विद साल्ट वाटर, जो एक तरह से नमक का पानी होता है थोड़े से एक तरह से आप आधा चम्मच या थोड़ा सा आप एक तरह से नमक डाल लें एक गिलास पानी में, उसको आप एक तरह से ले उसका गरारा करें, अंदर आपको नहीं ले जाना है, तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रीट हो सकता है। आइसक्रीम शुड बी टेकन टू कीप थ्रोट कूल, और आपका जो गला है देखिए ड्राई वगैरह हो रहा है तो एक तरह से आपको उसको अगर वहाँ पे कूल रखना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम वहाँ पे नहीं होना चाहिए वरना और आपको वहाँ पे नज़ला वगैरह हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एलर्जन शुड बी अवॉइडेड लाइक डस्ट, जो डस्ट वगैरह धूल मिट्टी वगैरह होती है उससे थोड़ा सा आप दूर रहें, इसकी वजह से क्या होता है आपके गले में इन्फेक्शन वगैरह यानी एलर्जेंस वगैरह जा सकते हैं, एक्सेट्रा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइन यानी स्किन डिसऑर्डर्स। अब देखिए स्किन डिसऑर्डर्स हमारे क्या होते हैं, सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो त्वचा होती है यानी स्किन, जैसे लाइक हमारी ये स्किन है तो इससे रिलेटेड एक तरह से हमारी जो डिसऑर्डर बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी सारी कंडीशन होती है जिसमें देखिए क्या होता है स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, एक तरह से स्किन ड्राई हो जाती है, एक तरह से हमारी रफ़ स्किन हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं मतलब स्काल्पी यानी पपड़ेदार स्किन यानी काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं, तो उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे स्किन डिसीजेज इंक्लूड, जो हमारी स्किन से रिलेटेड डिसीज है ये एक तरह से इंक्लूड करती है ऑल कंडीशंस, वो सारी कंडीशंस दैट इरीटेट, जो एक तरह से इरीटेट करें, एक तरह से यहाँ पे क्लोग डैमेज योर स्किन एज वेल एज स्किन कैंसर। देखिए वो सारी कंडीशन जो एक तरह से स्किन को डैमेज करें, अब वो किसी भी तरह से करें तो उनको एक तरह से यहाँ पे हम स्किन डिसीज यानी स्किन से रिलेटेड त्वचा की बीमारियाँ कहते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे स्किन कैंसर। अब देखिए स्किन कैंसर यहाँ पे हमने नॉर्मली आपके लिए एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं है किसी को स्किन कैंसर हो गया तो हम सेल्फ केयर करेंगे, उसके लिए दवाइयाँ वगैरह वहाँ पे
लगती हैं। अच्छा यहाँ पे सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो सिम्टम्स सीधा सीधा भाई स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है। तो रफ स्किन एक तरह से क्या होता है, खुदगली एक तरह से आपकी त्वचा वहाँ पे हो सकती है। स्काल्प स्किन एक तरह से आपकी जो स्किन है उससे पपड़ी वगैरह जम जाती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। स्किन आपकी स्किन सूख सकती है, पीलिंग ऑफ स्किन एक तरह से हम कह सकते हैं छिलना। साथ में यहाँ पे ओपन सोर्स जैसे अल्सर वगैरह हो जाते हैं, यानी घाव हो जाते हैं आपकी स्किन वगैरह में। साथ में यहाँ पे रेड वाइट स्किन क्या होता है, एक तरह से आपको वाइट वाइट लग रही है, तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं। एक्सेक्ट्रा यहाँ के और भी आप सिम्टम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ केयर। मान लीजिए स्किन से रिलेटेड कोई यहाँ पे डिसीज़ आपको हो गई, तो सेल्फ केयर कैसे खुद से आपको वहाँ पे उसको ट्रीट करें। तो नॉर्मल क्या होता है भाई, किसी को स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हो गई तो नॉर्मल क्या होता है, लोग भाई सीधा मेडिकल स्टोर वगैरह फार्मेसी वगैरह पर जाते हैं, क्रीम्स वगैरह काफ़ी सारे अवेलेबल होती है वहाँ पर, ले आते हैं उनका वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। कुछ हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं जिससे एक तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे गुड स्किन हाइजीन, एक तरह से आपकी जो स्किन है उसको वहाँ पे आप साफ रखें जिसको इसे एलर्जी वगैरह उस पर कोस ना हो, जिससे दांत के हाथ खुजली वगैरह हो जाती है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। साथ में अल्कोहल एंड स्मोकिंग शुड भी अवॉइड, जो एक तरह से अल्कोहल या स्मोकिंग है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि वो भी यहाँ पे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। थर्ड इसमें हम देख लेते हैं स्ट्रेस शुड भी मैनेज, एक तरह से जो आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं उसको वहाँ पे थोड़ा सा कम करें। आपने कहा ना इंसान जब हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है उसकी आँखों के नीचे क्या होता है, काले घेरे हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह से स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट शुड भी अवॉइडेड, एक तरह से क्या होता है शुगर यानी सीधा हम कह सकते हैं चीनी या एक तरह से मान लो शुगर के प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे डेयरी फूड वगैरह आप यहाँ पे अवॉइड करें, या एक तरह से आप उनको लिमिटेड करें, हिसाब से ज़्यादा आप उनको ना लें। टेकिंग इनफ वाटर टू प्रिवेंट ड्राइनेस, आपकी स्किन ड्राई हो रही थोड़ा वाटर आप ज़्यादा लें जिससे ड्राइनेस स्किन की वहाँ पे ना हो। चलिए और हम देख लेते हैं हैंड शुड बी वॉश फ्रीक्वेंटली विद वॉर्म वाटर एंड सोप, एक तरह से साबुन वगैरह एक तरह से गर्म पानी का एक तरह से आप यूज़ करें, बार बार एक तरह से आप हाथ धोएं, जिस वजह से आपके हाथ पाँव वहाँ पर साफ रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आप सौंफ वगैरह यूज़ करें, एलर्जी वगैरह आपको नहीं होगी। और हम देख लेते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी अवॉइडेड, देखिए कोई ऐसा बंदा जिसको जैसे मान लीजिए सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे जैसे दांत का खुजली वगैरह हो जाते हैं लोगों को, फंगस वगैरह फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आप उसके टच में जा रहे हैं तो आपको उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो जिस बंदे को एक तरह से मतलब एलर्जी वगैरह इन्फेक्टेड है वो, तो उससे आप थोड़ा सा दूर रहें, स्किन के थ्रू भी हमारी काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। साथ में अवॉइड हार्मफुल क्रीम्स, देखिए क्या होता है कुछ गर्ल्स वगैरह का मोस्टली हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बॉयज़ इतनी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कुछ गर्ल्स एक तरह से गोरा होने के चक्कर में स्मार्ट दिखने के चक्कर में, हम सबको मतलब किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहे हम सभी को कह रहे हैं, तो देखिए क्या होता है मतलब कुछ ज़्यादा ही क्रीम वगैरह यूज़ कर लेती हैं जिससे क्या होता है स्किन पर उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे स्किन या तो रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, एक तरह से जो किसी की नेचुरल स्किन होती है वो भी वहाँ पर डैमेज होने लगती है, तो इस चीज़ को वहाँ पर अवॉइड किया जाए। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 ओरल हेल्थ। अब देखिए हमारी जो ओरल हेल्थ होती है जिसको हिंदी में यहाँ पे हम कहते हैं मौखिक स्वास्थ्य है, देखिए हमारी जो माउथ है तो ये जो क्या हमारा मौखिक स्वास्थ्य है, इससे रिलेटेड कुछ डिसीज यहाँ पे हम देखेंगे, साथ में सेल्फ हेल्प कैसे हम इनकी कर सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अंदर हमारी कुछ 2 से 3 यहाँ पे आने वाली हैं, जैसे ओरल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन डिसीज, यानी हमारी जो ओरल हेल्थ है वो कुछ हमारी कुछ टाइप की बीमारी होती है, लाइक जैसे टूथ डिके, भाई हमारा माउथ है, माउथ के अंदर हमारे क्या होते हैं टूथ यानी हमारे दांत वगैरह होते हैं, दांत वगैरह गलने लगते हैं, तो उससे एक तरह से हमारी ओरल हेल्थ एक तरह से अफेक्ट होती है। साथ में गम डिसीज़, हमारे जो मसूड़े वगैरह होते हैं काफ़ी सारे ऐसी कंडीशन होते हैं सूज जाते हैं फूल जाते हैं ब्लड वगैरह फैल जाता है, या कुछ कंडीशन हमारी ऐसी होती है जिसमें एक तरह से मतलब उनसे ब्लड वगैरह आने लगता है। साथ में ओरल कैंसर क्या होता है, माउथ वगैरह पर कैंसर वगैरह हो जाते हैं उसके अंदर वगैरह, इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ ही माउथ अल्सर वगैरह आपने नाम सुना होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इस सब की एक तरह से हमारी ओरल हेल्थ है, तो इसको अफेक्टेड किया जाता है इन सारी कंडीशन में। तो चलिए इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं माउथ अल्सर्स। अब देखिए माउथ अल्सर्स हमारे क्या होते हैं, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं हमारे जो माउथ है इसके अंदर हमारी टंग वगैरह या अदर हमारे पार्ट है, तो उनमें क्या होता है या तो छाले बन जाते हैं या एक तरह से क्या होता है घाव वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पर हम कहते हैं माउथ अल्सर्स। आई थिंक आपने नाम भी सुना होगा। तो माउथ अल्सर इज़ ए कंडीशन, माउथ अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर येलो और रेड कलर्ड लेसेंस, एक तरह से येलो या एक तरह से रेड कलर के जो घाव वगैरह होते हैं हमारे माउथ के अंदर हो जाते हैं। मूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, एक तरह से सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो मूकस मेम्ब्रेन है किसकी, टंग की, हमारी जुबान की, गम्स हमारे मसूड़े या इनर चीक्स, एक तरह से हमारी जो गाल की अंदर वाली साइड होती है इसमें लिप्स जो होंठ होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कोस कर देते हैं मिल्ड पेन। तो सीधे यहाँ पे कहने का मतलब है हमारा जो माउथ है इसके अंदर हमारे जो एक तरह से क्या भी चीक्स हैं
इनसाइड वाले, साथ ही हमारे मसूड़े वगैरह हो गए, हमारी टंग वगैरह हो गई, जुबान वगैरह, तो इसमें क्या होता है छाले बन जाती है, एक तरह से ओपन सोर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे माउथ। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। जब किसी बंदे को माउथ अल्सर होता है तो किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो देखिए क्या होता है हमारा जो माउथ होता है उसमें एक तरह से पेन वगैरह होता है, साथ में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, सूजन, साथ में इरिटेशन ऑफ द सोर्स बाय साल्टी स्पाइसी फूड। जब कोई बंदा स्पाइसी फूड खाता है एक तरह से चटपटा, तो क्या होता है भाई मान लीजिए घाव है माउथ के अंदर, वो जाके उस पर लगता है, तो एक तरह से क्या होता है मतलब दिक्कत इरिटेशन वगैरह वहाँ पे हो जाती है। लोस ऑफ एपेटाइट, एक तरह से भूख वगैरह भी कम हो जाती है, एक तरह से हम कहीं खाना खाया ही नहीं जाता है भाई, मुँह में छाले वगैरह घाव आपके हो रहे हैं तो किस तरह से आप खाना खाएंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फ केयर। अब देखिए सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं एक तरह से खुद से अपना ट्रीटमेंट करना, तो एक तरह से स्पाइसी फूड्स शुड बी अवॉइडेड। किसी बंदे को भी माउथ अल्सर हो रहा है यानी घाव हो रहा है माउथ के अंदर, तो उस कंडीशन में जो स्पाइसी एक तरह से मसालेदार फूड होते हैं उनको वहाँ पर वो अवॉइड कर सकता है, जिससे एक तरह से वो कंडीशन हो तो रही लेकिन वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नहीं होगी तो होले होले वहाँ पर वो टिकट हो जाएगी। तो यहाँ पे गुड ओरल हाइजीन शुड बी मेंटेन टू कीप माउथ क्लियर। एक तरह से हम कह सकते हैं माउथ को क्लीन रखना चाहिए, जिससे एक तरह से खाना वगैरह जाके उस पर ना लगे, यानी घाव वो ज़्यादा वहाँ पे ना हो। माउथ शुड बी राइंस्ड विद वार्म साल्ट वाटर फ्यू टाइम्स ए डे। दिन में कुछ बार एक तरह से जो साल्ट वाटर हो नमक का पानी उसका गरारा वगैरह कर सकते हैं। तो मैं ए हेल्दी डाइट, एक तरह से एक हेल्दी डाइट, एक तरह से अच्छा खाना, हेल्दी खाना, रिच इन फ्रेश फ्रूट, एक तरह से जिसके अंदर मतलब इंक्लूड होना चाहिए जो हमारे फ्रेश फ्रूट होते हैं यानी ताज़े फल। एंड वेजिटेबल शुड बी टेकन, कुछ हमारे वेजिटेबल जैसे हरे भरे खाने होते हैं हमारे, इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं हमारा बी डेंटल पेन। तो डेंटल पेन जिसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे दांतों में दर्द। अब देखिए दांतों में दर्द आई थिंक सभी के होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें टीथ में पेन होने लगता है, कुछ कंडीशन आई थी जिसमें हिसाब से ज़्यादा होता है, कुछ कंडीशन यानी हल्का बहुत होता है, उसके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो डेंटल पेन अकर्स इन और साथ में अराउंड द टीथ, एक तरह से क्या होता है कुछ कंडीशन तो ऐसी होती है किसी पर्टिकुलर एक से दो दांतों में होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है यानी पूरे सारे ही दांतों में एक तरह से मतलब दर्द वगैरह होने लगता है, आप हम कह सकते हैं। साथ में डेंटल पेन अकर से, एक तरह से जब डेंटल पेन यानी दांतों में दर्द अकर यानी एक तरह से पाया जाता है ड्यू टू ए टेम्परेरी गम इरीटेशन एंड कैन बी ट्रीटेड एट होम। क्या होता है कुछ कंडीशन हमारी ऐसी होती है जिसमें एक तरह से हमारे जो गम होते हैं यानी मसूड़े वगैरह होते हैं तो उनमें एक तरह से इरीटेशन वगैरह कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से डेंटल पेन वगैरह हो जाता है, और ऐसे नहीं एक तरह से इजीली हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं एट होम एक तरह से घर पर, तो उससे हम कह सकते हैं हमारे जो दांत वगैरह होते हैं टीथ वगैरह होते हैं उनमें एक तरह से दर्द वगैरह हो जाता है, उसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो सिम्टम किस तरह के यहाँ पे नज़र आते हैं, तो बैड माउथ ऑर्डर, एक तरह से जो माउथ का ऑर्डर है एक तरह से वहाँ पे वो बैड हो जाता है, यानी अच्छी स्मेल माउथ से नहीं आती, बुरी बदबू वहाँ पे आने लगती है, और हेडेक एक तरह से ज़्यादा हो रहा है तो ये हो जाता है। स्वेलिंग अराउंड द टीथ, हमारे जो टीथ होती है उसके चारों तरफ जो हमारे मसूड़े वगैरह उनमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, साथ में पेन इन टूथ, दांतों वगैरह में दर्द होता है, ये एक तरह से हमारा मेन सिम्टम है डेंटल पेन का। देन चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फ केयर यानी खुद से कैसे हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड मेडिकेशन, कुछ हमारी मेडिकेशन जो एक तरह से हाउस होल्ड हम इसलिए कह रहे हैं हमारी नॉर्मल ओटीसी मेडिकेशन होती है जो लोग एक तरह से घर पर इनको रखते हैं पहले से, जैसे पीसीएम वगैरह हो गई, एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन वगैरह हो गई, इनको यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसमें गार्गल्स विद वार्म साल्ट वाटर, जो एक तरह से नमक का पानी होता है उसके यहाँ पे गरारा वगैरह कर लें, जिससे एक तरह से मतलब यहाँ पे पेन रिड्यूस हो सकता है। ए पेस्ट ऑफ क्रश्ड गार्लिक क्लोव शुड बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया, तो जिस एरिया पे मान लीजिए किसी टीथ में आपको पर्टिकुलर यहाँ पे दर्द वगैरह हो रहा है तो पेस्ट ऑफ यहाँ पे क्रश्ड, एक तरह से जो गार्लिक होता है लहसुन साथ में क्लोव वाइल जो लौंग वगैरह होती है उसके एक तरह से आप क्या कर लें क्रश्ड यानी एक तरह से आप उसको पीस लें, जिस एरिया पर हो रहा है अफेक्टेड एरिया पर आप उसको अप्लाई करें तो वहाँ पर पेन आपका रिड्यूस हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे सी हम देख लेते हैं गम स्वेलिंग। अब देखिए गम स्वेलिंग सीधा हम कह सकते हैं इसको हिंदी में मसूड़ों की सूजन, हमारे जो मसूड़े होते हैं एक तरह से उनमें जो स्वेलिंग वगैरह सूजन वगैरह आ जाती है इन्फ्लेमेशन वगैरह उसी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्वेलिंग और साथ में यहाँ पे इन्फ्लेम्ड गम्स ऑफ्टन ब्लीड एंड साथ में अपर ब्राइट रेड इन कलर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी अफेक्टेड एरिया। तो देखिए जैसे हमारे मसूड़े होते हैं उनमें क्या होता है या तो एक तरह से ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एक तरह से रेड कलर के वहाँ पे वो दिखाई देते हैं ब्राइट रेड कलर के, या और भी हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे कंडीशन होती हैं जिस वजह से क्या होता है हमारे मसूड़े वगैरह में वहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं। जैसे रेड स्वेलिंग गम, अब देखिए सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है जब आपके गम्स वगैरह होते हैं एक तरह से सीधा आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड वगैरह भर जाता है तो वहाँ पे रेड कलर के वहाँ पे सूजे हुए दिखने लगते हैं। अच्छा यहाँ पे टूथ लॉस, एक तरह से भाई जब मसूड़े में आपके सूजन आती है तो वहाँ पे अगर वो लूजिंग वगैरह हो रही है तो दांत वगैरह भी वहाँ पे लॉस होने लगते हैं। अच्छा यहाँ पे प्रीसिस्ट माउथ ऑर्डर,
आपके एक तरह से जो माउथ है उसमें बदबू वगैरह भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ में गम्स विद वाइट स्पॉट, एक तरह से जो आपके मसूड़े वगैरह में एक तरह से वाइट वगैरह देखने को मिल सकते हैं उन पे, या वाइट स्पॉट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे सिम्टम्स हैं। चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ केयर। मान लीजिए किसी बंदे को गम स्वेलिंग हो रही है, किस तरह से अपने को केयर कर सकता है? तो भाई सीधे यहाँ पे कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी बंदे को यहाँ पे मसूड़े वगैरह में सूजन हो गई है, तो जिस तरह के वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है ये एक तरह से माउथ वॉशेज, तो वो ऐसे होने चाहिए जिससे एक तरह से गम्स वगैरह में वहाँ पे इरिटेशन वगैरह कोज ना हो, यानी नॉन इरिटेंट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे जो गम्स वगैरह हैं वो जब एक तरह से ब्रश वगैरह करें तो इस तरह से हमें करना है होले होले, जिससे वहाँ पे इफेक्ट ना पड़े। मान लीजिए आपके जो मसूड़े वगैरह हैं वहाँ पे वो सोज रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या करें, जो ब्रश वगैरह यूज़ करें आप ज़्यादा स्पीड से आप प्रेशर लगा रहे हैं तो वहाँ पे उनसे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। साथ ही में एक तरह से माउथ शुड बी राइंस्ड विद साल्ट वाटर, एक तरह से नमक के पानी से आप गरारा वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेल्फ केयर वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे आज का टॉपिक था, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पे पूरा ही है सिलेबस था, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसका सीधा रीज़न है इतना सारा हमने यहाँ पे ये कवर किया है। तो देखिए जितनी भी हमारी यहाँ पे ये डिसीज थी, हमारे माइनर एलिमेंट्स एक तरह से छोटी मोटी बीमारियाँ थी जिनके लिए हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए सारी कंडीशन अगर एक तरह से हमारी कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे हम इसके लिए मतलब ये सेल्फ केयर करेंगे। मान लीजिए हमारी हद से ज़्यादा जा रही फीवर, वोमिटिंग या एक तरह से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो इसके लिए क्या होता है उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी थेरेपी वगैरह लेंगे, या थेरेपी हम एक तरह से उससे ले रहे हैं लेकिन वो आपको बता रहा है घर पर भी इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है। तो आई थिंक आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट यहाँ पे रह जाता है किसी भी डिसीज से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।